दोस्तों, इस वीडियो में हम तीन कॉमन प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। पहली है टैनिंग। इस टाइम पर गर्मी इतनी है कि आधा घंटा भी दिन में बाहर निकल जाओ तो चेहरे की स्किन टोन गिर जाती है। दूसरी प्रॉब्लम है डार्क सर्कल्स, आंखों के नीचे जो काले घेरे हो जाते हैं। और तीसरी है डार्क लिप्स। कुछ लोग अपने होठों से बड़े परेशान होते हैं कि गुलाबी नहीं तो कम से कम ये कालापन तो कम हो जाए। ये तीनों ही प्रॉब्लम्स जितनी कॉमन है उतनी ही इजी भी है इनको ठीक करना। एक एक करके तीनों प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि इन प्रॉब्लम्स के रूट कॉज यानी मूल कारण क्या है, ताकि इन प्रॉब्लम्स को जड़ से ठीक किया जा सके। बाकी हर एक प्रॉब्लम्स के लिए मैं आपसे शेयर करूंगा एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव होम रेमेडी, जिसका वर्णन ना सिर्फ आयुर्वेद के ग्रंथों में है बल्कि जिसको खुद मैंने कुछ लोगों पे आजमाया है और रिजल्ट मोर देन 95% है। वैसे ये होम रेमेडीज बिल्कुल नेचुरल है तो नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुर्वेदा हेल्थ एंड वेल्थ। सबसे पहले बात करते हैं टैनिंग की। गर्मियों में सबसे कॉमन प्रॉब्लम है टैनिंग। 20-25 मिनट भी धूप में रहे नहीं कि स्किन का टोन 2-3 लेवल नीचे गिर जाता है। लेकिन एक तरह से ये अच्छी चीज है क्योंकि ऐसा करके हमारी बॉडी हमें सूर्य की हार्श यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। दोस्तों, जब हम धूप में जाते हैं तो हमारी बॉडी मेलेनिन पिगमेंट को प्रोड्यूस करने लगती है। ये मेलेनिन की वजह से रंग काला होता है और यही मेलेनिन यूवी रेस से भी प्रोटेक्ट करता है। आप ये समझो कि सन एक्सपोजर जितना ज्यादा होगा मेलेनिन उतना ज्यादा बनेगा, और जितना ज्यादा मेलेनिन प्रोड्यूस होगा उतनी ही स्किन टोन डार्क होगी। इसलिए अगर आप खुद को टैनिंग से बचाना चाहते हैं तो धूप में स्किन को ढक के रखें। आप चाहे तो अम्ब्रेला का यूज करें, कैप का यूज करें, हेलमेट पहने। डिटैनिंग करना आसान है लेकिन उसके लिए आपको सही चीज पता हो। इसके लिए आपने बहुत कुछ सुना होगा, टमाटर आलू का रस, एलोवेरा जेल। हाँ, ये सब कुछ हद तक वर्क करते हैं, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में एक रेमेडी है जिसे मैं सबसे ज्यादा इफेक्टिव मानता हूँ। और मैं ही नहीं, ये हम भारतीयों का पुरातन नुस्खा है। इसके लिए आपको चाहिए तीन सिंपल इंग्रेडिएंट्स। पहली चीज जो आपको चाहिए वो है बेसन। चने की दाल को जब पीस देते हैं तो उसे ही बेसन कहते हैं। बेसन हमेशा से ही स्किन लाइटनिंग के लिए इस्तेमाल होता आ रहा है। आज मॉडर्न साइंस भी मानती है कि बेसन एक माइल्ड एक्सफोलिएटर का काम करता है, जो स्किन पे जमी डेड स्किन को रिमूव कर स्किन को ब्राइट करता है। दूसरी चीज आपको चाहिए हल्दी। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इंफ्लेमेटरी कॉम्पाउंड्स होते हैं जो स्किन का ग्लो बढ़ाते हैं, और कोई डार्क स्पॉट्स हो उन्हें भी लाइटन करती है हल्दी। हल्दी डालने का एक और फायदा होता है कि बेसन की स्मेल को ढक देती है। तीसरी चीज जो हमें लेनी है वो है दही। दही जितना खट्टा होगा उतना ही असरदार होगा। दही डालने से एक तो जिन लोगों को बेसन डायरेक्टली स्किन पे सूट नहीं करता वो भी सूट करने लगता है। दही एक मॉइस्चराइजर है, क्लेंजिंग एजेंट है, स्किन को सॉफ्ट और ब्राइटन करती है दही। दही में मौजूद लैक्टिक एसिड स्किन पिगमेंटेशन को भी कम करता है। एक कटोरी में 4 चम्मच बेसन ले रहे हो तो 1 चम्मच हल्दी डाल दो। बेसन हल्दी का 4:1 होना चाहिए। फिर इसका पेस्ट बनाने के लिए दही डाल दो, अच्छे से मिला लो और अपने चेहरे पे या जहाँ जहाँ टैनिंग हो लगा लो। लगाकर 20-25 मिनट तक लगा रहने दो। सूखने पर इसे हाथों से स्क्रब करो पहले और फिर धो लो। एक ही बार लगाने से आपको फर्क दिखेगा। धोने से स्किन थोड़ी रेडिश फील हो सकती है लेकिन ये टेम्पररी होता है। इनफैक्ट ये एक प्रूफ है कि ये तीनों इंग्रेडिएंट वर्क कर रहे हैं। ये बिल्कुल बेसिक लेकिन बहुत ही इफेक्टिव सन D10 मास्क है। मार्केट में बिक रहे 100 के पिल ऑफ मास्क से ये कहीं बेहतर है। अगर टैनिंग हो गई है तो 2-4 दिन लगातार लगा लो। इसको तो वैसे भी आप कभी कभी जैसे संडे को टाइम मिले तो लगा सकते हो। कभी किसी फंक्शन में जाना हो या किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना हो तब भी लगा के जा सकते हो। इसका इंस्टेंट इफेक्ट है। इस फोटो को देखो और अब इस फोटो को देखो, दोनों में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस आता है इस मास्क को एक बार लगाने से, जैसे स्किन की सैचुरेशन बढ़ा देता है। ये पोल्यूशन, सन एक्सप्लोजन और बाकी फैक्टर्स की वजह से हम अपनी ओरिजिनल स्किन टोन तो भूल ही जाते हैं। जो बॉडी पार्ट्स ढके रहते हैं उनसे अपने फेस की स्किन टोन को कंपेयर करो, आपको खुद ही फर्क दिख जाएगा। लेकिन इस सिंपल ट्राइड एंड टेस्टेड D10 मास्क का इस्तेमाल करके आप अपनी ओरिजिनल स्किन टोन इजीली वापस पा सकते हो। आइए अब बात करते हैं डार्क सर्कल्स की। जिसे डार्क सर्कल्स होते हैं वो ही समझता है कि मिरर में देखने का भी मन नहीं करता। पूरा चेहरा ठीक होने के बावजूद सिर्फ डार्क सर्कल्स होने की वजह से फेस डल लगने लगता है। लेकिन घबराए नहीं, डार्क सर्कल्स को ठीक करना कोई खास मुश्किल नहीं, ये कोई बीमारी भी नहीं है।
बस एक तरह की वार्निंग है कि आप अपने आप पर ध्यान नहीं दे रहे हो। कारण देखो डार्क सर्कल्स का क्या है। सबसे बड़ा कारण है नींद ठीक से ना लेना। एक नॉर्मल इंसान जिसे बिल्कुल भी डार्क सर्कल्स ना हो, अगर वो भी 4-5 दिन रात को ठीक से ना सोए तो देखेगा कि आँखों के नीचे काले घेरे बनने लगे। लेकिन सोचने वाली बात है कि आँखों के नीचे ही क्यों कालापन आता है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारी आँखों के नीचे की स्किन है वो बाकी फेस की स्किन के कंपैरिजन में काफी पतली होती है। अंडर आई स्किन पतली है, इसलिए ज्यादा डेलिकेट है, सेंसिटिव है। आप धूप में निकले तो सबसे पहले टैनिंग आँखों के नीचे ही होनी शुरू होती है। इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स का असर भी इसी पे ही जल्दी दिखता है। इसीलिए तो स्किन डॉक्टर्स डार्क सर्कल्स को ही एजिंग का पहला साइन मानते हैं। लेकिन आजकल तो 15-20 साल के बच्चों को भी डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। वो एजिंग की वजह से नहीं हो रहे। एक टाइम था जब डार्क सर्कल्स 50 की उम्र के बाद होने लगते थे, लेकिन आज तो यंग जनरेशन को डार्क सर्कल्स की इतनी समस्या है, उसका सबसे बड़ा कारण है हाई स्किन टैनिंग। दोस्तों कभी भी नोटिस करना कि जब हम फोन, लैपटॉप या टीवी की स्क्रीन देखते हैं तो हम आईज को बहुत ही कम झपकाते हैं, और आईज को ब्लिंक करना एक नेचुरल रिफ्लेक्शन है जिससे आईज ड्राई नहीं होती। लेकिन जब हम लगातार स्क्रीन की तरफ देखते हैं तो आंखें ड्राई होने लगती हैं। यही नहीं, अंडर आई स्किन के नीचे जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन होता है, और यही इन्फेक्शन की वजह से अंडर आई स्किन का रंग काला होने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि आंखों को ठंडा रखो। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लैपटॉप चलाना छोड़ दें। आजकल तो सारा काम ही लैपटॉप पर होता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर किया जा सकता है कि बीच बीच में उठकर थोड़ा आँखों को आराम दे। पानी की बोतल हमेशा आपके डेस्क पे होनी चाहिए। पानी पीते रहेंगे तो आंखें ड्राई नहीं होंगी। हर किसी को सुबह उठकर मुंह में पानी भर के आंखों को अच्छे से धोना चाहिए। ये प्रैक्टिस देखने में जितनी सिंपल लगती है उतनी ही इफेक्टिव है डार्क सर्कल्स कम करने के लिए। तो मोटा मोटा देखा जाए तो अगर आप रात को 7-8 घंटे की नींद अच्छे से लें और स्क्रीन टाइम को थोड़ा मैनेज कर लें तो आपको कुछ हद तक डार्क स्क्रीन में आराम आ जाएगा। लेकिन एक ऐसी होम रेमेडी है जो मेरे ओपिनियन में तो बेस्ट है। बस फर्क इतना ही है कि कुछ लोगों को 3-4 दिन में ही रिजल्ट आ जाता है, जबकि कुछ लोगों को 10-15 दिन लग जाते हैं। ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि बाकी लाइफस्टाइल और खान पान कैसा है, लेकिन है इफेक्टिव। आपको इसके लिए 3 चीजें चाहिए। पहली चीज है हरड़ का पाउडर। हरड़ या हरी ताकी जो त्रिफला के 3 फलों में से एक है, आयुर्वेद के अनुसार आँखों के नीचे काले घेरों को कम करने के लिए बहुत असरदार है। एक्चुअली हरड़ में काफी ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आँखों के नीचे हुई पिगमेंटेशन को कम करते हैं। दूसरी चीज जो इस रेमेडी को और भी इफेक्टिव बना देती है वो है कास्टर ऑयल। कास्टर ऑयल, कॉमनली जिसे एरंडी का तेल भी कहते हैं, आपको केमिस्ट या मेडिकल पर भी मिल जाएगा। जनरली लोग इसे कॉन्स्टिपेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये डार्क सर्कल्स के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। इनफैक्ट मार्केट में कितनी ऐसी अंडर आई क्रीम है जिनमें इफेक्टिव इंग्रेडिएंट कास्टर ऑयल ही होता है। वो इसलिए क्योंकि कास्टर ऑयल एक तो बहुत थिक ऑयल होता है, जिस वजह से ये किसी भी तरह की ड्राइनेस को बहुत जल्दी ठीक करता है। और दूसरा, कास्टर ऑयल की एक प्रॉपर्टी है कि ये सूजन को कम करता है, और डार्क सर्कल्स में तो ब्लड वेसल्स इन्फ्लेमेशन से सूज ही जाती है। तीसरा इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए वो है एलोवेरा जेल। दोस्तों, आंखों पे खीरा लगा हुआ तो आपने देखा होगा, इससे आराम मिलता है क्योंकि खीरा ठंडा होता है। लेकिन खीरे से कहीं ज्यादा ठंडा है एलोवेरा जेल। स्किन की इलास्टिसिटी को भी इम्प्रूव करता है, हाइड्रेट करता है, और एक स्टडी में तो इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स स्किन की पॉपुलर मेडिसिन से भी बेहतर पाए गए। इसलिए एक बाउल में एक चम्मच हरड़ का पाउडर डाल दें, एक चम्मच ही कैस्टर ऑयल का डाल दें, और एक चम्मच ही एलोवेरा जेल। तीनों को अच्छे से मिक्स कर दें, एक क्रीम सी बन जाएगी। बस इसे आप एक बार बना के अपने फ्रिज में रख लें। जब भी इस्तेमाल करना हो इसे निकालें और हल्के हाथों से आँखों के चारों तरफ लगा लें। कम से कम 20 मिनट तक लगा रहने दें, फिर ठंडे पानी से धो लें। रोज एक बार लगाएं, किसी भी टाइम लगा सकते हैं, सुबह नहाने से पहले या शाम को, जो टाइम आपको सूट करे। पहली बार में ही आपको कुछ फर्क लगेगा, लेकिन एक हफ्ता लगातार इस्तेमाल करें, आप हैरान हो जाएंगे कि जो डार्क सर्कल कंसीलर लगा लगा के ढकते थे वो अब एक्चुअली कम हो रहे हैं, और वो भी सस्ते में और बिल्कुल नेचुरल तरीके से। फाइनली बात करते हैं डार्क लिप्स की। कुछ लोगों के नेचुरली होंठ थोड़े काले होते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के होंठ समय से काले होने लगते हैं। जैसे स्किन पे काले धब्बे पड़ते हैं, कुछ उसी तरह से ही लिप्स पर भी हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। आखिर क्या कारण है? एक ऑब्वियस कारण तो स्मोकिंग है ही।
दोस्तों साइंस ऐसा मानती है कि सिगरेट में जो निकोटीन होता है वो लिप्स के अंदर ब्लड वेसल्स को टाइट कर देता है, जिस वजह से उनमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स उतनी अच्छे से फ्लो नहीं करते। अब ऑक्सीजन की कमी होगी तो कालापन आएगा ही। इसके अलावा डर्मेटोलॉजिस्ट मानते हैं कि लड़कियां जो लॉन्ग वेयर लिपस्टिक्स यूज करती हैं, उनके ज्यादा इस्तेमाल करने से भी होंठ काले पड़ने लगते हैं। इतना तो जरूर ध्यान देना चाहिए कि सोने से पहले लिपस्टिक वगैरह अच्छे से साफ करके ही सोए। फिर कुछ लोगों को बार बार अपने होठों को इस तरह से चाटने की आदत होती है, इसे लिप स्मैकिंग कहा जाता है, जिससे लिप्स की डेलिकेट स्किन डैमेज होती है और डिस्कलरेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको शायद ये बात जानकर हैरानी हो कि जो लोग बहुत गर्म चाय या कॉफी पीना पसंद करते हैं उनके भी होंठ काले होने लगते हैं। कारण जो भी हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके होठों का कालापन कम हो तो उसके लिए आपको 3 चीजें करनी चाहिए। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि रोज रात को सोने से पहले अपनी नाभि में देसी घी लगाएं। आयुर्वेद की माने तो नाभि का लिप्स के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जब हम नाभि में घी लगाते हैं तो सूक्ष्म नाड़ियों के रास्ते लिप्स मॉइस्चराइज होते हैं। बचपन में जब हमारे होठ फटते थे तो हमारी दादी नानियां नाभि में घी लगाने की सलाह देती थी, और उससे एक्चुअली बहुत जल्दी फायदा होता भी था। तो ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप है एक्सफोलिएशन। दोस्तों, पोल्यूशन, सन एक्सपोजर और बाकी कारणों की वजह से हमारे लिप्स के ऊपर डेड स्किन जमा हो जाती है। उसे हटाने के लिए एक्सफोलिएशन काफी कारगर है। इसके लिए आपको कटोरी में थोड़ा सा शहद और नींबू मिक्स कर लेना है। हनी एक नेचुरल एक्सफोलिएटर है और नींबू एक बहुत अच्छा क्लीनिंग एजेंट है। हल्के हाथों से ही इस मिक्सचर से होठों पे 1 मिनट के लिए रब करें और फिर 5 मिनट तक लगा रहने दें। इससे डेड स्किन उतरेगी और नई स्किन बाहर आएगी। फिर पानी से धो दे। आखिरी स्टेप में हमें लिप्स पे एक पैक बना के लगाना है। इसके लिए हमें 3 चीजें चाहिए: चुटकी भर हल्दी, 2-4 बूंदे गुलाब जल की और मलाई। दोस्तों, हल्दी में ऐसे प्लांट कॉम्पाउंड्स होते हैं जो मेलानिन पिगमेंट की प्रोडक्शन को कम करते हैं, और ये तो हम जानते ही हैं कि मेलानिन ही वो पिगमेंट है जिससे हमारी स्किन का कलर डार्क होता है। मेलानिन जितना कम होगा उतने ही हमारे लिप्स का कालापन कम होगा। गुलाब जल से होठ सॉफ्ट और नेचुरली थोड़ी पिंकिश टोन पकड़ते हैं। मलाई एक जबरदस्त मॉइस्चराइजर है और स्किन लाइटनिंग में भी हेल्प करता है। घर में दूध को उबाल के फ्रिज में रख देते हैं तो मलाई अपने आप ऊपर इकट्ठी हो जाती है। चम्मच से आप उसे एक कटोरी में निकाल लें। अगर किसी कारण मलाई ना मिल पाए तो आप उसकी जगह दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तीनों चीजों को अच्छे से मिला के एक पेस्ट जैसा बना लें और इसकी एक मोटी लेयर होठों पे लगा लें। 10-15 मिनट तक लगा रहने दें। ड्राई होने के बाद उंगली से ही स्क्रब करके उतार दें और फिर पानी से धो दें। ऐसा 5 दिन लगातार कर लें। 6ठे दिन आप खुद आके कमेंट करोगे कि लिप्स का कालापन हल्का पड़ गया। बेसिकली 3 चीजें हैं: सोने से पहले नाभि में घी लगाना है, ये अंदर से ठीक करेगा, फिर बाहर नींबू शहद से एक्सफोलिएशन करनी है, और हल्दी, गुलाब जल, मलाई का लिप मास्क लगाना है। बाकी अगर आप चाहते हो कि परमानेंटली लिप्स का कलर नॉर्मल हो जाए तो कारणों पे ध्यान दो। जितना कारणों को कम कर दोगे उतना आपके होंठ ओरिजिनल टोन पकड़ के रखेंगे। तो दोस्तों, ये थे 3 कॉमन प्रॉब्लम्स और उनके इफेक्टिव सॉल्यूशन, जिन्हें आप बिना किसी परेशानी के यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।